कल बलौदा बालोद जिले के डोंडी लोहारा ब्लॉक की गोष्ठी हो रही थी। तो उस डोंडी लोहारा ब्लॉक की गोष्ठी के दौरान हमारी एक बहन ने बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया। उस गीत के दो लाइन मैं लिख के रखा उसमें। तो उस गीत का दो लाइन था, संगठन का महामंत्र ले तरुणाई का ज्वार उठा, युग से सोए हिंदू हृदय में राष्ट्रभक्ति का ज्वार उठा। तो एक गीत की शुरुआत होती है संगठन शब्द से, और अधिकांश हम जितनी बहनें हैं, लगभग सभी अधिकांश बहनें लोग जानती होंगी, जैसे कि एक संगठन है हमारे देश में है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, RSS जिसको बोलते हैं, वो संगठन है। उसमें एक गीत आता है, एक मंत्र का जाप करें हम संगे सक कलो युगे, मिलकर बोले एक साथ सब भारत की जय युगे युगे। तो इसमें भी संघ शब्द का प्रयोग हुआ, संगठन और संघ। आइए हम इसको समझेंगे, क्योंकि जब हम संगठन को समझेंगे, उसका भान जब हमें होगा, और समय है ये भान होगा कि हमको करना क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्यों करना जरूरी है, ये संगठन क्यों आवश्यक है, कैसे संगठन में है हम, जब ये भान होगा, जब ये हमारे अंदर जागृत होगा, तो यकीन मानिए हम जिस स्पीड से अभी काम कर रहे हैं वो स्पीड हमारी 4 गुनी ज्यादा हो जाए। सभी माताओं बहनों को आज इस संगठन के बारे में बोलने का बताने का कुछ अवसर प्राप्त हुआ है। अमृता दीदी, एक शब्द में जानना चाहूंगा कि ये समय कितना रहेगा? अभी 5:30 बज रहा है, 15 मिनट भैया, 15 मिनट, 15 मिनट। हाँ बारह चलिए, बारह 15 मिनट ले सकते हैं, 10 मिनट उनका प्रश्नोत्तरी के लिए छोड़ेंगे। अच्छा, जी, चलिए 15 मिनट से पहले इस बातों को हम समेटेंगे। आइए एक बार पुनः चार्ज हो, सभी कमर सीधी करके बैठ जाएं, हाथ गोद में रख लें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, और एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में सभी करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी आदिशक्ति माँ गायत्री के चरणों में सादर नमन वंदन करते हुए, आप सभी माता शक्ति को नमन करते हुए, आइए आज की बात को हम प्रारंभ करें। भाइयों बहनों, जब हम संगठन की बात करते हैं तो गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार के संगठन से जिस हम जुड़े हुए हैं, अभी तक के पिछले दिनों में आपने ये एहसास किया होगा कि बार 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 एक शब्द का बहुत ज्यादा दोहरा हुआ, बहुत ज्यादा उस शब्द का बार बार दोहरा हुआ। हर किसी ने इसके बारे में बात किया, चिन्मय भैया ने भी इस बारे में बात किया, अभी जब कुछ दिन पहले उनका एक हमने प्रवचन सुना उसमें उन्होंने बात किया, और वो शब्द क्या था? इकाई, 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 इकाई। इस शब्द का प्रयोग सबने सबने अपने अपने उद्बोधन में बार बार इसका उपयोग किया, लेकिन बड़ी विडंबना की बात लगती है कि अभी तक हमारे बहुत सारी बहनें जो हैं उस इकाई को तो या तो समझ नहीं पाई हैं या फिर भ्रम की स्थिति में है। जैसे अभी हम समझे कि रायपुर और राजनांदगांव जिले के उपजोन के, माफ कीजिएगा, हम इतनी सारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सब सोचे कि क्या हमने अपने अपने ब्लॉकों में इकाइयों का निर्माण कर लिया। ये सब पहले सोचें, अपने आप से प्रश्न को पूछें, क्या मैंने अपने ब्लॉक इकाई का निर्माण कर लिया? मान लीजिए मैं ब्लॉक का समन्वयक नहीं हूं, मैं ब्लॉक के समन्वयक का जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है, वो बहन कोई और है, लेकिन मैं भी उस ब्लॉक की रहने वाली हूं, तो क्या मेरे ब्लॉक के समन्वयक बहन ने मुझसे इस संबंध में कुछ पूछा? इस बारे में कोई चर्चा उसने किया क्या? क्या मेरे ब्लॉक में इकाई निर्माण को लेकर के कोई चर्चा हुई? और अगर हुई तो वो अभी किस स्तर में, कहां पर पहुंचे हो? कहां? बहुत सारी बहनों का रिपोर्टिंग जब देखने को मिला
तो कई लोगों ने तो कहा कि भैया हमारे गांव ब्लॉक में 118 गांव है और 118 गांव को हमने इकाई में बांट लिया है, लेकिन अभी नाम नहीं लिख पाए। कुछ बहनों ने कहा नहीं भैया हम नाम तो लिख लिए हैं लेकिन अभी क्या करें, व्हाट्सएप नंबर नहीं मिल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, उन तक जा नहीं पा रहे हैं, जब हम वहां जाएंगे तब बनेगा। कुछ बहनों ने कहा कि भैया दीदी ऐसा है कि हम ब्लॉक का गांव का संख्या तो निकाल लिए हैं लेकिन हम इसको इकाइयों में कैसे बांटे, हमको समझ में नहीं आया है कैसे इकाई इसको बनाया जाए। ये दो तीन भ्रम की स्थिति आज भी बनी हुई है। और अगर इतने सारे प्रशिक्षण हमारे सामने खड़े हैं, इतने सारे कार्यक्रम हमारे सामने हैं, इतनी सारी योजनाएं हमारे सामने हैं, और अगर हम इकाई का निर्माण नहीं कर पाए हैं तो एक कार्यक्रम को कहां करेंगे, हम किन स्थानों पर करेंगे, कहां लेकर के जाने वाले हैं। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए भारत सरकार ने घोषित कर दिया एक योजना, हर घर बिजली, एक योजना आया, एक उदाहरण हर घर बिजली, तो भारत सरकार क्या करेगा हर घर बिजली पहुंचाने के लिए, क्या करेगा वो? तो हर गांव को तो पहले चिन्हित करेगा कि किस गांव में बिजली नहीं है, और जितने गांव में बिजली नहीं है उतने गांव की जनसंख्या को मिलाकर के मुझे कितने का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, कितने खंभे वहां पहुंचाने पड़ेंगे, कितना तार लगेगा, कितने मीटर लगेंगे, ये सारी योजनाओं को लागू करेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा उसको, तो सबसे पहले उन गांव को चिन्हित करना पड़ेगा जहां पर आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। माता बहनों, ये इकाई निर्माण वही काम है। युग निर्माण योजना को जमीनी स्तर पर गांव गांव तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए अगर हमें सबसे पहले कोई काम कुछ करना है तो इकाई निर्माण को करना है, और उस गांव को चिन्हित करना है कि मेरे ब्लॉक में ऐसे कितने गांव है भाई जहां पर गायत्री परिवार की पहुंच नहीं है, जहां पर युग निर्माण का ध्वज नहीं फहरा रहा है, जहां पर विचार क्रांति का ध्वज नहीं फहरा रहा है, कितने गांव है ऐसे। अभी हमारी भ्रम की स्थिति क्या है, हम जो आसपास हमारे, हमने कंफर्ट जोन बना के रखा है। कंफर्ट जोन मतलब अगर मुझे 9 कुंडी यज्ञ करना है या 24 कुंडी यज्ञ करना है तो हम एक कंफर्ट जोन में है। कंफर्ट जोन मतलब मेरे आसपास के 2-3 गांव, इधर के 3-4 गांव, इधर के 4-5 गांव, इधर के 2-4 गांव, इतने गांव में मेरे गायत्री परिवार के लोग हैं, तो मैं 108 कुंडी यज्ञ कर लिया, 24 कुंडी कर लिया, बड़े बड़े कार्यक्रम कर लिया और उतने तक मैं खुश हूं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, मेरे ब्लॉक में बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन कभी इकाइयों को उठा करके देखा जाए तो 118 गांव में आज भी हमारे 70% लगभग गांव में गायत्री परिवार की पहुंच नहीं है। वहां कोई गायत्री परिवार का या तो दीक्षित परिजन नहीं है या सहयोगी परिजन नहीं है, या फिर वहां पर हमारा कोई विचार क्रांति अभियान का ध्वज नहीं ला रहा है, यानी गुरुदेव के वहां विचार वहां पर नहीं पहुंचे हैं। ऐसी स्थिति आज हमारे, अभी भी हमारे ब्लॉकों की है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को अपने सामने बिठाइए, उनको पूछिए कि 20 साल पहले आपके गायत्री परिवार की जनसंख्या आपके ब्लॉक में कितनी थी और आज कितनी है। यकीन मानिए, गायत्री परिवारों की जब जनसंख्या की जो बात, अभी जैसे बार बार हम पंजीयन की जो बात कर रहे हैं ना, ये बार बार पंजीयन करेंगे, पंजीयन कर रहे हैं, ये वास्तव में जनसंख्या जनगणना का काम है ये, और जब तक जनगणना नहीं होता है तब तक भारत सरकार कोई योजना नहीं बना पाती है, क्योंकि जनगणना के आधार पर ही आंकड़े निकलते हैं। तो उस बुजुर्ग से पूछिए कि भाई साहब, बाबूजी ये बताइए 20 साल पहले गायत्री परिवार के लोग कितने थे और आज कितने, और उसके बाद अगर वो आंकड़ा माइनस में आया तो सोचिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब हम युग निर्माण से हजारों किलोमीटर पीछे हैं। फिर अभी भाइयों बहनों, हम एक ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं जिसका नाम है अखिल विश्व गायत्री परिवार। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार कह दिया तो कितने प्रदेशों का, कितने देशों का युग निर्माण करना पड़ेगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार जब हम कहते हैं तो कितने देशों का युग निर्माण करना पड़ेगा, 5-6 देश क्या, 7-8-10-12 देश क्या, नहीं, पूरे विश्व का युग निर्माण करना पड़ेगा। और जब हम भारत देश की बात करते हैं तो भारत देश में कितने युग निर्माणी जिले होने चाहिए, कितने जिलों का युग निर्माण करना चाहिए, कितने राज्यों का, तो जितने 28-29 राज्य हैं उतने
पूरे राज्यों को तो करना पड़ेगा ना, उसके बाद हम जिले में आते हैं, राज्य में आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में अगर युग निर्माण हम शब्द का प्रयोग करें तो कितने जिले युग निर्माणी हो जाने चाहिए? 27 जिले हैं तो 12 जिले युग निर्माणी रहेंगे तो काम चलेगा क्या? नहीं। उसके बाद जिले में जब हम आते हैं तो जिले के कितने ब्लॉकों को युग निर्माणी होना चाहिए? ब्लॉक के बाद, जिले के बाद जब हम ब्लॉक में आते हैं तो मेरे ब्लॉक गांव, ब्लॉक में अगर 118 गांव हैं, 30 गांव में गायत्री परिवार के लोग हैं, बाकी गांव में नहीं है, तो क्या युग निर्माणी ब्लॉक कहलाएगा? क्या युग निर्माण हो जाएगा क्या उतने में? नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? एक एक गांव तक हमारे गुरुदेव के विचार को पहुंचाना पड़ेगा, विचार क्रांति के ध्वज को पहुंचाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, अब ये जो चरण है ना, ये जो काम है, मजा तो अब आने वाला है। अब तक तो हम वही वही कार्यक्रम किए जहां जहां पर हमको गायत्री परिवार के लोग मिल गए। गोष्ठी कहाँ किया जाए, ये ब्लॉक का गोष्ठी कहाँ रखा जाए? हाँ तो अपने काम करते हैं, वो एक गांव है मैनपुर नाम का कोई गांव है, वहां कर लेते हैं। तो वहां क्यों? अरे भाई साहब, क्या है ना, वहां गायत्री परिवार के लोग हैं, खाने वाने की व्यवस्था हो जाएगी और व्यवस्था ठीक ठाक हो जाएगी, इसलिए हम वहीं पर करते हैं। मतलब हम अपने लिए कंफर्ट जोन की तलाश की। मजा अब आएगा जब हम उन गांव को चिन्हित कर लेंगे, जिस गांव में आपको गायत्री परिवार को कोई पहचानता नहीं, जहां कोई आपको जानता नहीं, उस जगह में जब विचार क्रांति के इस अभियान को लेकर जाएंगे तब आनंद आएगा। और यही चरण जो है, उस चरण का नाम होगा संघर्षात्मक चरण। युग निर्माण के 3 चरण है, प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक। तो संघर्ष तो अब शुरू होगा। और ये बहनों की जो इतनी शानदार अभी कार्य योजना बनी है, यकीन मानिए ये इतिहास में नाम लिखे जाएंगे। और मैं नमन वंदन करता हूं बहनों को कि बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने इस बीड़ा को उठाया है और इसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। इकाई निर्माण के कार्य के प्रति बार बार संगठनात्मक गोष्ठी होती रही, हर गोष्ठी में हम लोगों ने चर्चा को किया, लेकिन अभी तक हम इसमें 20% में नहीं पहुंच पाए। लेकिन जैसे ही बहनों की बारी आई, बहनों ने हाई स्पीड में काम भी शुरू किया और इकाई निर्माण पर वो लगभग 40% पे पहुंच गई है। 40% लगभग काम उनका पूरा हो चुका है, बाकी के 60% भी जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन इसके लिए एक निवेदन मैं करूंगा, आप मोटरसाइकिल के एक चक्का को निकाल दीजिए और उसको दौड़ा दीजिए रोड में, उसको बोलिए कि भैया तुम राजनांदगांव रेलवे स्टेशन तुमको पहुंचना है, तो वो चक्का पहुंच जाएगा क्या वहां पर? उसको पहुंचने में बहुत कठिनाई होगी, उसको बीच बीच में इधर से धक्का देना पड़ेगा, कहीं गड्ढे में रोड में उतर जाएगा तो वहां से ऐसे घुमाना पड़ेगा, फिर धक्का मारना पड़ेगा, तब पहुंचेगा। लेकिन अगर उसी मोटरसाइकिल के दोनों पहियों को एक साथ रख करके बढ़िया पेट्रोल डाल के गियर लगाए अच्छा, तो हम संभवतः राजनांदगांव के स्टेशन तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और ये दो पहिए कौन कौन से हैं? भाई और बहन। तो भाई और बहन दोनों मिलकर के काम करें, तब जाके हम अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त कर लेंगे। और बहनें जो भी इकाई निर्माण कर रही हैं, आप इकाई निर्माण कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जिस ब्लॉक में आप इकाई का निर्माण कर रहे हैं उसमें इकाई अगर आपने 10 बनाया है, 10 बहनों के नाम को लिखा है, तो 10 भाइयों के नाम को भी वहीं पर लिख लीजिए, तो ये संगठनात्मक इकाई भी बन जाएगा और नारी जागरण का भी इकाई बन जाएगा। एक साथ आपके 2 काम हो जाएंगे, फिर से एक बार इकाई निर्माण के लिए आपको जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक चीज मैं विशेष अंतिम रूप से आप सबको कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, अगर इकाई निर्माण हो गया होता, आज तक अगर इकाई निर्माण हो गया होता, तो ये पंजीयन का जो क्रम चल रहा है बहुत आसान होता, बहुत आसानी से पंजीयन का काम हो जाता। तो खैर कोई बात नहीं, फरवरी महीने में बहुत सारे काम है, लेकिन अब ये डेडलाइन होनी चाहिए। अब डेडलाइन, इसके बाद हम ये काम को नहीं रखेंगे, पेंडिंग नहीं रहेगा। तो जैसे कि अभी आदरणीय दीदी जी ने कहा, इस ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी का कार्यक्रम भी फरवरी महीने में हो जाए, तो मेरा तो निवेदन सभी से है कि इकाई निर्माण का काम भी फरवरी महीने में पूर्ण कर लिया जाए। अंतिम रूप में एक ही लाइन मुझे याद आता है, सभी माताओं बहनों को नमन करते हुए ये लाइन मैं कहना चाहूंगा, युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है।
आप सभी बहनों को सादर नमन वंदन। आप सबका काम बहुत शानदार है। मैं तो मात्र एक निमित्त रूप में संगठनात्मक विषय को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आप सभी इसको ध्यान में रखेंगे। सभी को सादर नमन वंदन। आदरणीय कुंती जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अमृता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का अवसर प्रदान किया। आप सबको नमन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।